जांजगीर से बड़ी खबर, यहां पर 4 महीने की गर्भवती महिला की मौत का मामला सामने आया है और झोला छाप डॉक्टर के इलाज से मौत का आरोप का ये मामला है। परिजन ने झोला छाप डॉक्टर पर कार्रवाई की मांग की है। नवागढ़ के हीरागढ़ गांव का ये पूरा मामला है। राजकुमार साहू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजकुमार, बेहद ये गंभीर मामला, झोला छाप डॉक्टर के इलाज से मौत का आरोप लगा रहे हैं परिजन। राजकुमार, अपडेट दीजिए इस खबर पर। देखिए आकांक्षा, ये काफी बड़ा मामला है क्योंकि जिस तरह से पूरी घटना हुई है, इसमें आरोप झोला छाप डॉक्टर पे लगा है और ये मामला नवागढ़ क्षेत्र के हीरागढ़ गांव का है, जिसमें परिजन का कहना है कि ये महिला 4 माह की गर्भवती थी, जिसका नाम रुक्मणी कश्यप है और जब इसकी तबीयत थोड़ी खराब थी तो ये झोला छाप डॉक्टर के पास गांव में ही लेके गए थे। उसके बाद से झोला छाप डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया और उसके बाद से उससे उल्टी होने लगी, फिर नाक से खून बहने लगा, ये परिजन का कहना है। और जब परिजन उस महिला को नवागढ़ के सरकारी अस्पताल में लेके गए, उसके बाद से डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। तो इस मामले में महिला के शव का पोस्टमार्टम कराया गया है नायब तहसीलदार की उपस्थिति में और फिलहाल इस मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट की इंतजार है। नवागढ़ पुलिस से भी हमारी बात हुई है, उनका कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जिस तरह से परिजन ने आरोप लगाया है और जिस तरह से पूरी घटना हुई है, काफी गंभीर मामला है और इसमें इस परिजन जो है वो झोला छाप डॉक्टर पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। आप भी नजर बना के रखिएगा, देखते हैं क्या कार्रवाई होती है झोला छाप डॉक्टर के खिलाफ। शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए राजकुमार।